आता है जिसे रहना लोगों के दिलों में। सरो कद बड़ी बड़ी मखमूर आंखें, तौबा शिकन खदोखाल, दूध और रूह अफ़ज़ा की आमेज़िश जैसी रंगत, सडोल बाहें, इन तमाम अनासिर ने जिस सरापा हुस्न को वजूद बख्शा, लोग उसे मुसर्रत शाहीन के नाम से जानते हैं। अमली जिंदगी के बहुत से अनकहे नशे व फराज से गुजरने वाली इस अदाकारा की दास्तान जहां रंगीन है तो थोड़ी बहुत संगीन भी है, कुछ दिलचस्प है तो कुछ सबक आमोज भी। अज़्म और हौसले की एक तस्वीर, ऐसी जिंदगी जिसने काफी सख्त वक्त गुजारा, खुद पर भरोसा किया और तय किया कि आगे बढ़ना है। 100 अदाकारी से पाई शनाख्त, उसके बाद किया सोशल वर्क और फिर तबाह आजमाई हुई सियासत। पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा जिसने खुद को काबिले मिसाल बना दिया। इस मासूम का बचपन जैसे तैसे गुजर गया, जब बलोगत की उम्र को पहुंची तो अपने दराज कद और हसीन चेहरे की बदौलत हम उम्र सहेलियों में सबसे नुमाया नजर आने लगी। वो अपने स्कूल जहां को एजुकेशन थी की अपनी सहेलियों की लीडर थी। लीडर बनने का तजुर्बा उसे कम उम्र में ही हो गया था। वो जहाँ बला की जहीन थी वहीं एक दिलेर और बेबाक लड़की के तौर पर भी मशहूर थी। लड़कियों से अपने साथ पाकर बहुत तहफ्फुज़ महसूस करती थी। यह खूबसूरत मनमोहनी पुरकशिश लड़की लड़कों में बिल्कुल लड़का बनकर जिंदगी बसर करती। फिर अचानक एक रोज हालात ने पलटा खाया। ये शरीर हंसमुख मार कुटाई करने वाली लड़की जब शफकत पदरी से महरूम हुई तो तमाम कहकहे मुस्कुराहटे शरारते जैसे रूठ गईं। 14 बरस की बाली उमरिया में उसके नातवां कांधों पर जिम्मेदारियों का एक पहाड़ आन पड़ा। शाहीन ने मुसर्रत की जिंदगी पाने के लिए किसी की परवाह ना की। वो अपनी मंजिल की जानिब महवे परवाज रही। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ लाहौर आकर उसने दाता नगरी को ठिकाना बना लिया। हालात की सताई गमजदा लड़की ने शहर में बाइज्जत मुकाम हासिल करने के लिए जिद्दोजहद का आगाज लाहौर के फेलेट्रेस होटल में बहसियत डांसर किया। एक रोज मारूफ अदाकार फिल्मसाज और हिदायतकार रंगीला ने जब इस लड़की को देखा तो उसके अंदर छुपी हुई अदाकारा को दरियाफ्त कर लिया जो उसके अंदर जन्म ले चुकी थी, जिसका इदराक कुछ शाहीन को भी ना था। और जब उसे फिल्मी दुनिया में बतौर अदाकारा शोहरत मिलने लगी तो उससे हसद रखने वाले कुछ एक्ट्रेसेस ने उसके बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत वाहियात है। उसने ना सिर्फ उर्दू फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी मकबूल हुई और पश्तो फिल्मों में तो उसकी शोहरत और कामयाबी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक मुनफरद पहचान कराने वाली मुसर्रत शाहीन अपने सरापा हुस्न और बेबाक स्टाइल से अवाम में शोहरत की बुलंदियों पर बड़ी तेजी से पहुंची। उसके पास खूबसूरत चेहरा, मुतनासिब और पुरकशिश जिस्म, जिसने फिल्मबीनों पर एक सहर तारी कर दिया। ग्लैमर की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा ने जब 1997 में डेरा इस्माइल खान से कौमी असेंबली हल्का नंबर 18 से इलेक्शन लड़ा तो गोया खजा रसीदा इलेक्शन में बाहर आ गई। उसके इस फैसले ने पूरे मुल्क में धूम मचा दी। पाकिस्तान में उस दौर के इन इलेक्शन में मुसर्रत शाहीन वाले हलके को गैर मामूली अहमियत दी गई। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने सिर्फ मुसर्रत शाहीन की वजह से इस हलके को खुसूसी कवरेज दी। हम जब मुसर्रत शाहीन के फनी कैरियर की बात करते हैं तो हमें 1975 के अवाइल में जाना होगा, जब उन्हें फ्लाइटीज होटल में मारूफ मजाहिया अदाकार फिल्मसाज और हिदायतकार रंगीला ने अपनी एक फिल्म बहरूप के लिए कास्ट किया था। अभी वो बहरूप की शूटिंग कर रही थी कि रंगीला ने उन्हें दूसरी फिल्म रिवाज में सेकंड हीरोइन के तौर पर भी कास्ट कर लिया। बहरूप ना मुकम्मल रही और रिलीज ना हो सकी, लेकिन रिवाज मुकम्मल हो गई और सेंसर की वजह से ताखिर का शिकार होकर 1977 में बेगुनाह के नाम से रिलीज हुई। बेगुनाह रंगीला की माजी की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया और तूफान का रीमेक है। मुसर्रत शाहीन जिस वक्त बहरूप की शूटिंग कर रही थी उसी सेट पर मुमताज अली खान बदर मुनीर को लेकर आए, जो उस जमाने में रंगीला के चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे। बदर मुनीर ने मुसर्रत शाहीन को देखा तो उनसे बहुत मुतासिर हुए और इसीलिए फौरन उन्हें अपनी फिल्म की ऑफर कर दी, जिस पर मुसर्रत शाहीन ने बड़ी जुर्रत और हौसले के साथ 10,000 मुआवजा तलब किया। अभी हाल ही में जब मुसर्रत शाहीन से गुफ्तगू हुई और पूछा कि अपने इब्तदाई दौर का जिक्र करें और बताएं कि किस तरह फिल्मी दुनिया में आई, तो मुसर्रत ने इन अल्फाज में अपनी दास्तान हयात शुरू की। मैं नस्लन अफगानी हूँ, मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक जलालाबाद से था। दादा जब सिर्फ 40 दिन यानी अभी चिल्ले के थे तो हमारे कबीले के चंद लोग 100 ऊँटों पर अपना साजो सामान लेकर अफगानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए।
हिजरत की वजह वहाँ कबायली जंग थी जिसमें हमारे कबीले के लोग मार दिए गए। जो बच गए उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया। हमारा कबीला गुंडापुर फैमिली से है। इस कबीले के अफराद अब बहुत कम रह गए हैं। हमारे कबीले के लोग कलाची आ गए। उस वक्त की इंतजामिया ने उन्हें वहाँ आबाद होने की इजाज़त दे दी। बाद में आने वाले वक्त में गंडापुर के लोगों ने पाकिस्तानी सियासत में भी नुमाया खिदमात अंजाम दी और दीगर हुकूमती ओहदों पर फायज रहे, जिनमें इनायतुल्लाह खान नुमाया हैं जो चीफ मिनिस्टर रहे। कलाची के करीब एक और छोटा सा गांव लॉन्ड्रे है जिसके मायने नमकीन के हैं। इस इलाके की एक बंजर जमीन पर हमारे आबाओ अजदाद आबाद हो गए। मेरा ननियाल ऐवान है जिनमें ज्यादातर शिया फिरके के लोग हैं। पहली बार जब नानी की कब्र पर फातिहा पढ़ने गई तो ये मंजर देखकर हैरान रह गई कि मेरे ननियाल और ददियाल के कब्रिस्तान अलहदा अलहदा हैं। मेरे वालिद साहब फौज में सूबेदार के ओहदे पर थे। जब हमारे लोग पाकिस्तान आए तो उस जमाने में ज्यादातर फौज में भर्ती हो रहे थे। वो अंग्रेज का दौर था। जब हमें यहाँ आबाद होने की इजाज़त दी गई तो एक शर्त ये भी थी कि हर घर का एक फर्द फौज में जरूर शामिल होगा। इसी कानून के तहत वालिद अब्दुल रहीम खटक फौज में चले गए। उन दिनों दादा अबू कराची में थे। वहाँ से कमा कर वो DI खान आते। कराची से जब कभी खाली हाथ आते तो घर वाले कहते कि वहाँ जुए में सारी रकम हार कर आए हैं। मेरी पैदाइश जुलाई 1960 की है। पैदाइश के बाद वालदा इंतकाल कर गई तो वालिद ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के नारवा सलूक ने मुझे बहुत तकलीफ दी। इसीलिए हमेशा दुआ की कि रब किसी बच्चे से उसकी माँ ना छीने और ऐसी सौतेली माँ से बचाए जैसे मुझे मिली थी। बचपन की महरूमियों ने मेरे अंदर एक फौलादी लड़की को जन्म दिया। वालिद साहब 71 की जंग में शहीद हो गए। मैं उस वक्त नानी के पास रहती थी। वालिद चूँकि लिबरल और प्रोग्रेस टाइप के आदमी थे तो उन्होंने मुझे कंटोनमेंट के जिस स्कूल में दाखिल करवाया वहाँ को एजुकेशन थी। चूँकि कद में आम लड़कियों से लंबी थी तो वहाँ क्लास की तमाम लड़कियों ने मुझे अपना लीडर बना लिया। नाना वजीरस्तान मीरान शाह में डॉक्टरी के पेशे से वाबस्ता थे, इसीलिए वहाँ ज्यादातर वक्त गुजारा। अस्पताल के अहाते ही में नाना को रिहाइश भी मिली हुई थी। ये पूरी एक कॉलोनी थी जहाँ अस्पताल का अमला रिहाइश पजीर था। ननिहाल में मुझे रिति कहकर पुकारा जाता था जबकि मेरा पैदाइशी नाम मुसर्रत शाहीन ही है। दूसरे अदाकारों की तरह कोई दूसरा नाम ना रखा, इसी नाम से काम किया। जबकि फिल्मी सनत में कई अदाकाराएं ऐसी हैं जिनका असल नाम कुछ और है। संगीता का नाम परवीन है, अंजुमन का नाम अंजुम शाहीन, इनके अलावा रीमा, खुशबू, साइमा, मीरा, इन सब के असल नाम कुछ और हैं। नामों की वजह से कई एक्ट्रेसेस ने एक से ज्यादा पासपोर्ट्स बनवाए हुए हैं और यकीनन इस तरह कानून शिकनी के मुर्तकिब हुई हैं। मैंने करियर के आगाज से ही अपने असली नाम से पहचान करवाई। डेरा इस्माइल खान के दूर दराज बैकवर्ल्ड इलाके की एक लड़की फिल्मी सनत में किस तरह आई, ये तकदीर का फैसला था। उसने मेरा रिस्क इसी सनत में लिखा था, सो मैं यहाँ आ गई। हुआ यूं कि जब लाहौर आई तो यहाँ फलेंटीज होटल के लिए एक डांस आइटम में ट्राई दी। दूसरे रोज मारूफ अदाकार रंगीला साहब फलेंटीज होटल आए तो उन्होंने मुझे रंगीला से मिलवाया। उनका नाम निसार था। रंगीला उन दिनों एक फिल्म बहरूप बना रहे थे जिसमें आसिया बेगम हीरोइन का रोल प्ले कर रही थी। इस फिल्म में उन्होंने मुझे आसिया की सहेली का किरदार दिया। उसी के साथ रंगीला की दूसरी फिल्म रिवाज भी बन रही थी तो इस फिल्म में मुझे सेकेंड हाफ के बाद दूसरी हीरोइन बना दिया। ये फिल्म रंगीला ही की दिया और तूफान के रीमेक के तौर पर बनाई जा रही थी जिसमें पहले हाफ की हीरोइन आसिया बेगम थी जो सेकेंड हाफ में बूढ़ी हो जाती हैं और उनकी बेटी जवान हो जाती है। उस बेटी का किरदार मेरे हिस्से में आया। बहरूप तो नामुकम्मल रही और कभी रिलीज ना हो सकी, लेकिन रिवाज कुछ अरसे के लिए सेंसर में फंसी रहने के बाद जरूर रिलीज हुई। रिवाज का नाम बदलकर बेगुनाह कर दिया गया और फिर ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई। उस वक्त तक मैं टॉप क्लास हीरोइन बन चुकी थी। बहरूप के कोर्स गाने के शूटिंग एवरन्यू स्टूडियोस में हो रही थी जिसमें कई और लड़कियां हिस्सा ले रही थी। मैंने ड्रेस तब्दील करने में कुछ देर कर दी। फिर जब वहां पहुंची तो देखा कि बदर मुनीर और कुछ दीगर लोग सेट पर बैठे हैं। मेरी नजर बदर मुनीर पर पड़ी तो एकदम मुंह से निकला, हाय ये तो लिप्टन चाय के इश्तेहार में आते हैं। बदर मुनीर ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर वो खास मुझे मुखातिब करते हुए बोले कि हम आपको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, क्या मुआवजा लेंगे। उस वक्त फील्ड में नई नई थी, मुझे फिल्म का एग्रीमेंट करने का कोई तजुर्बा ना था। बस बिना सोचे समझे कहा कि 10,000 लूंगी। तो मेरे मोहसिन रंगीला साहब बोले, ये बहुत गरीब लोग हैं, तुम्हें 10,000 नहीं दे सकते। वो फिल्म दुल्हन एक रात की थी। हालांकि ये फिल्म मुकम्मल हो चुकी थी लेकिन शायद उन्होंने किसी अदाकारा को कट कर दिया था। फिर मुझे उसकी जगह शामिल किया जो चंद सीन्स और 3 गानों का रोल था।
मुझे 8,000 मुआवजा मिला था और 500 रुपए एडवांस देकर ये फिल्म साइन करवाई गई थी। इस फिल्म ने जहां उर्दू फिल्मों में मकबूलियत दिलाई तो इसके साथ साथ पश्तो पंजाबी फिल्में भी मुझे मिलना शुरू हो गई। मेरी इस कामयाबी का तमाम दर सहरा रंगीला साहब के सर जाता है। रंगीला के अलावा मेरे इब्तदाई दिनों में अदाकारा और हिदायतकार सलमा मुमताज का जिक्र भी जरूर करूंगी, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था। उन्होंने जब बतौर हिदायतकारा अपनी पहली फिल्म बे औलाद बनाई तो मुझे कास्ट में शामिल किया। ये पंजाबी फिल्म है। बे औलाद मेरी रिलीज होने वाली किसी भी जबान की पहली फिल्म है। उर्दू और पंजाबी फिल्मों के नामवर हिदायतकार असलम डार ने वहीद मुराद के साथ फिल्म जुबैदा में मेरा एक गेस्ट सीन रखा। ये मेरे फिल्मी दौर की इब्तिदा थी। दुल्हन एक रात की कामयाबी ने मुझे स्टार बना दिया। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म स्टार बनूंगी। अली जेब की जोड़ी को मैंने हमेशा पसंद किया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मैंने अपनी जाती फिल्म बात बन जाए बनाई तो उसकी डायरेक्शन भी खुद ही दी और अली भाई को इस फिल्म में कास्ट किया। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फिल्म की शूटिंग का आगाज उन्हीं के सीन से किया। जब मैंने शॉट लेने के लिए स्टार्ट कैमरा साउंड कहा तो अली भाई ने जुमले खुद अदा करके उस शॉट को फिल्माया। जब बात बन जाए रिलीज हुई तो उन दिनों हड़तालें हो रही थी, इस वजह से मेरी फिल्म कोई खास बिजनेस ना कर सकी। अलबत्ता मेरी डायरेक्शन को लोगों ने पसंद किया। फिर मैंने एक पश्तो फिल्म की डायरेक्शन दी। आगा जी ये गुल ने मुझे बेटी बनाया हुआ था। उन दिनों मैं बैक वक्त उनकी 5 फिल्मों में काम कर रही थी। उन्होंने यूके में मेरी मुलाकात कई भारतीय फिल्म मेकर्स और आर्टिस्टों से करवाई। वहां जब मुझसे इंडियन अदाकार फिल्मसाज मिलते तो कहते कि आप भारत आकर काम करें, आप बहुत ही ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं। लेकिन उस वक्त हम पाकिस्तान में बहुत मसरूफ थे, हमारे पास टाइम भी नहीं होता था और ना ही हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई इजाज़त थी। हैदर चौधरी साहब की एक फिल्म एक्सीडेंट में अपना किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही तरह के किरदार और एक ही टाइप की फिल्मों से जब बेजार हो गई तो फिल्मी सनत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अपने पूरे कैरियर में 273 के करीब फिल्में की हैं। उस वक्त के तकरीबन तमाम ही हीरोइज के मुद्दे मुकाबिल काम किया, जिनमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम शाहिद, गुलाम मोहुद्दीन, बदर मुनीर, आसिफ खान, बेदार बख्त, तारिक शाह, सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, अली एजाज, नन्ना, रंगीला, यूसुफ खान शामिल हैं। 1986 में रिलीज होने वाली अपनी जाती फिल्म बात बन जाए में पहली बार मुसर्रत शाहीन ने यंग टू ओल्ड किरदार प्ले किया। इसके अलावा हिदायतकार इकबाल यूसुफ की फिल्म जलजला में भी उन्होंने यंग टू ओल्ड कैरेक्टर निभाया। इस फिल्म में वो हीरोइन रानी की माँ बनी थी। आसिया को अदाकारी में अपनी उस्ताद मानती हैं और हिदायतकारी में हिदायतकारा सलमा मुमताज से मुतासिर हुई और उनकी देखा देखी फिर खुद भी हिदायतकारा बन गई। तहरीके मसावात के नाम से अपनी एक सियासी पार्टी बनाई जिसकी वो शरीक चेयरपर्सन भी हैं। वो पाकिस्तान की पहली अदाकारा हैं जिन्होंने अमली सियासत में अपनी शोहरत बरकरार रखी। सियासत के साथ फलाह बहबूद के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उन्होंने एक एनजीओ पीस के नाम से बनाई है जिसका मकसद अमन और समाजी खिदमत का फरोग है। 1997 में होने वाले आम इंतखाबात में सिलाई मशीन के इंतखाबी निशान के साथ डेरा इस्माइल खान के हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़कर सियासी कैरियर का आगाज किया। 273 फिल्मों में अपनी फनी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाली ये अदाकारा अब तक सरकारी सतह पर कोई अवार्ड हासिल नहीं कर पाई।